दोस्तों, अगर आप भी सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह को दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तीसरे T20 मुकाबले में ऋतुराज की खतरनाक बल्लेबाजी ने ऑस्ट्रेलिया के हर गेंदबाजों की जमकर धुनाई करके कमर तोड़ डाली। तूफानी शतक लगाते हुए गायकवाड़ ने ऑस्ट्रेलिया के सामने अकेले अपने दम पर खड़ा कर दिया पहाड़ जैसा स्कोर। तो आखिरकार कैसे गायकवाड़ की बल्लेबाजी के बाद भारतीय गेंदबाजों ने भी चमत्कारी गेंदबाजी कर कंगारुओं को नाको चने चबा दिए और दोनों टीमों के बीच में हुई अंतिम गेंद तक की खतरनाक लड़ाई हम आपको इस पूरी की पूरी हाईलाइट में दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, ऋतुराज गायकवाड़ और सूर्य कुमार यादव में कौन है T20 का सबसे खतरनाक बल्लेबाज, कॉमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, लगातार दो T20 मैच जीतने के बाद तीसरा मुकाबला खेलने टीम इंडिया गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में पहुंची। मैथ्यू वेड ने टॉस जीतकर पहले टीम इंडिया को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। हर मैच की तरह यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ मैदान पर उतरे। वहीं अपनी टीम के लिए गेंदबाजी करने के लिए केन रिचर्डसन आए। पहले ही ओवर में 14 रन बटोर लिए और दूसरे मैच की तरह ही बिल्कुल इस मुकाबले में भी दोनों ओपनर टीम के लिए शानदार शुरुआत करते हैं। टीम के लिए यानी कि ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए दूसरा ओवर फेंकने आए जेसन बेहनड्रॉफ ने यशस्वी जायसवाल को अपनी दूसरी ही गेंद पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। टीम इंडिया को बहुत बड़ा झटका लग गया। अब मैदान पर ईशान किशन आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम इंडिया की अहम जिम्मेदारी थी। लेकिन टीम के लिए तीसरा ओवर एक बार फिर से फेंकने आए केन रिचर्डसन ने पहली ही गेंद पर चौका और 22 रन देकर टीम इंडिया के खाते में 5 रन डाल दिए। लेकिन अपनी तीसरी ही गेंद पर ईशान किशन के रूप में बड़ा विकेट निकाल लिया और आपको बता दें कि ईशान किशन बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम को 24 रनों के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लग गया। लेकिन अब ऋतुराज गायकवाड़ मैदान पर टिके हुए थे और उनका साथ देने के लिए अब खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव आ गए। इनके कंधे पर टीम की अहम जिम्मेदारी आ चुकी थी। टीम के लिए 5वां ओवर फेंकने आए नॉर्थन एलिस की तीसरी गेंद पर अपना पसंदीदा शॉट खेलकर ऐसा छक्का जड़ा जिसे देखकर स्टेडियम में बैठे दर्शक भी हैरान रह गए और टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। टीम इंडिया के स्कोर को 5 ओवर में 39 रनों तक पहुंचा दिया। सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी देखकर ऋतुराज गायकवाड़ ने भी अपने बल्ले का मुंह खोलना शुरू कर दिया। टीम इंडिया के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में केवल 2 विकेट के नुकसान पर 43 रनों तक पहुंचा दिया। सूर्य कुमार यादव का बल्ला तो जैसे रुकने का नाम नहीं ले रहा था, बेहद ही अलग अंदाज में नजर आ रहे थे। टीम इंडिया के स्कोर को 6.5 ओवर में ही आपको बता दें कि शानदार चौके के साथ 50 रनों के पार पहुंचा दिया। दोनों खिलाड़ियों का बल्ला जमकर दहाड़ रहा था। पूरी तरह से दोनों खिलाड़ी सेट हो चुके थे। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर टूट कर प्रहार कर रहे थे। सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी देखकर ऋतुराज गायकवाड़ का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। चौके छक्के दोनों बल्लेबाज लगाए जा रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को 10 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 80 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन टीम के लिए 11वां ओवर फेंकने आए एरॉन हार्डी ने अपनी दूसरी ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। टीम इंडिया को 81 रनों के स्कोर पर तीसरा झटका लग गया। इसके बाद मैदान पर ऋतुराज गायकवाड़ का साथ देने के लिए तिलक वर्मा आ गए। ऋतुराज गायकवाड़ मैदान पर टिके हुए थे और धीरे धीरे बल्लेबाजी करते हुए अपने अर्धशतक के करीब पहुंचे। एरॉन हार्डी की चौथी गेंद पर शानदार चौका जड़कर अपना अर्धशतक ठोक दिया। तिलक वर्मा भी बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। वो भी आते ही शानदार चौका जड़ देते हैं। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर केवल 23 गेंदों में 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी कर ली और टीम के लिए 15वां ओवर फेंकने आए तनवीर सांघा को ऋतुराज गायकवाड़ ने पहले चौके के साथ स्वागत किया और फिर अगली ही गेंद पर एक शानदार चौका भी जड़ दिया और टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से दोनों बल्लेबाज आगे बढ़ाने लगे। टीम इंडिया के स्कोर को 16.1 ओवर में 150 रनों तक पहुंचा दिया। फिर आपको बता दें कि ऋतुराज गायकवाड़ का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। 18वें ओवर में एरॉन हार्डी की गेंद पर गायकवाड़ ने एक ऐसा छक्का जड़ा जिसे देखकर स्टेडियम में बैठे दर्शक ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मैथ्यू वेड भी हैरान रह गए। टीम इंडिया के स्कोर को 18 ओवर में 180 रन तक पहुंचा दिया। साथ ही दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 100 रनों से अधिक की पार्टनरशिप भी पूरी कर ली थी। अंतिम ओवर फेंकने आए ग्लेन मैक्सवेल की पहली ही गेंद पर आपको बता दें कि ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार छक्का जड़कर अपना शतक पूरा कर लिया। इसके बाद भी अगली ही गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार शॉट लगाकर चौका भी बटोर लिया। मानो ऋतुराज गायकवाड़ के सर पर तो खून सवार हो गया।
और इस ओवर में 30 रन ठोक कर मैक्सवेल की जमकर कुटाई कर दी और ऑस्ट्रेलिया के सामने 20 ओवर में भारतीय बल्लेबाजों ने 222 रनों का एक बार फिर से पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। भारतीय गेंदबाजों के सामने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को ये स्कोर हासिल करना इतना आसान नहीं होने वाला था। टीम इंडिया के लिए ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर ट्रेविस हेड के साथ एरोन हार्डी बल्लेबाजी करने उतरे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ट्रेविस हेड टीम इंडिया के लिए एक बार फिर से मुसीबत बनकर मैदान पर खड़े हो जाएंगे। हेड मैदान पर उतरते ही अपना आक्रामक अंदाज दिखाना एक बार फिर से शुरू कर देते हैं और टीम के लिए पहले ही ओवर फेंकने आए अर्शदीप के ओवर में 9 रन बटोर लिए। वहीं दूसरा ओवर फेंकने आए प्रसिद्ध कृष्णा के ओवर में जमकर धुनाई कर 16 रन अपनी टीम के लिए और जोड़ दिए। इसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव इन दोनों की बल्लेबाजी को देखकर पूरी तरह से हैरान हो गए। विकेट की तलाश में सूर्य कुमार यादव ने रवि बिश्नोई के हाथों में गेंद थमा दी, लेकिन बिश्नोई की पहली ही गेंद पर अरोन हार्डी ने गजब का चौका जड़ दिया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाकर दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 3 ओवर में 40 रनों तक पहुंचा दिया। सूर्य कुमार यादव विकेट की तलाश में आवेश खान के हाथों में गेंद थमाते हैं, लेकिन कंगारू बल्लेबाज इस अंदाज में बल्लेबाजी का नजारा दिखा रहे थे कि भारत के हर एक गेंदबाज पर टूट कर बरस रहे थे। भारतीय गेंदबाजों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि दोनों बल्लेबाज पूरी तरह से मैदान पर सेट हो चुके हैं तो अब क्या किया जाए, लेकिन सूर्य कुमार यादव एक बार फिर से सबसे अधिक भरोसा जताकर विकेट की तलाश में गेंद अर्शदीप सिंह के हाथों में थमाते हैं। उन्होंने अपने ओवर की दूसरी ही गेंद पर एरोन हार्डी को चलता कर दिया और टीम इंडिया को पहला विकेट दिला दिया। ऑस्ट्रेलिया को 47 रनों के स्कोर पर पहला झटका लगा। इसके बाद मैदान पर अपनी टीम की पारी को संभालने जॉश इंग्लिश आए और आते ही उन्होंने शानदार चौका जड़ दिया और अपनी टीम को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। ट्रेविस हेड बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे, लेकिन पावर प्ले का अंतिम ओवर फेंकने आए आवेश खान ने अपने ओवर की चौथी गेंद पर हेड को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और ऑस्ट्रेलिया को 66 रनों के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लग गया। टीम इंडिया की खतरनाक गेंदबाजी और ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी को देखकर तो यही लग रहा था कि दोनों टीमों के बीच अंतिम ओवर तक की लड़ाई देखने को मिलेगी। बताइए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज खेली जा रही है, जिसके पहले T20 मैच में भारतीय टीम को 2 विकेट से रोमांचक अंदाज में जीत मिली, तो वहीं दूसरे T20 मैच के अंदर ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ भारत ने 44 रनों से शानदार जीत हासिल की और ऐसे में अब भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरा T20 मैच 28 नवंबर को गुवाहाटी के बारसपारा क्रिकेट स्टेडियम में खेलना है, जिसके लिए दोनों टीमें पूरी तरीके से तैयार हैं। लेकिन इसी बीच मैच के शुरू होने से पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम के अंदर रातों रात 4 दिग्गज खिलाड़ियों की एंट्री हो चुकी है, जिसको देखकर सभी के होश उड़ने वाले हैं। दरअसल ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से पहले 2 मैच हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने वर्ल्ड कप जीत के विजेता रहे 4 खिलाड़ियों को टीम के अंदर शामिल कर दिया है। दरअसल भारत के खिलाफ खेले जाने वाले तीसरे T20 मैच के लिए सबसे पहले ट्रेविस हेड की एंट्री होने वाली है, जिन्होंने भारत को विश्व विजेता बनने से रोका। हालांकि वो स्क्वाड में शामिल है, लेकिन अभी तक उन्हें आराम दिया गया था, लेकिन यहां मैथ्यू शॉट के खराब प्रदर्शन के कारण उनकी जगह पक्की होने वाली है। इसके अलावा दूसरे खिलाड़ी के तौर पर डेविड वार्नर की एंट्री हो चुकी है, जो कि ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए प्रॉपर सलामी बल्लेबाज की भूमिका निभाएंगे, जो इस समय ऑस्ट्रेलिया के पास नहीं है। इसके अलावा तीसरे और चौथे खिलाड़ी के रूप में पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क हैं, क्योंकि भारतीय टीम के बल्लेबाज तूफानी बल्लेबाजी कर रहे हैं और ऐसे में उनको रोकने के लिए ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट बोर्ड ने इन दोनों खिलाड़ियों को भारत के लिए रवाना किया, जो कि ऑस्ट्रेलिया को सीरीज हारने से रोकने वाले हैं और ऐसे में उनके आ जाने से भारत के जीत में काफी खलल पड़ सकता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, भारतीय टीम तीसरे T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत हासिल कर पाएगी या नहीं, कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को।